होम केयर रेमेडीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सम होम केयर प्रोडक्ट्स जो आपके घर में ही आपको मिलते हैं। इन प्रोडक्ट्स की काफी स्पेशलिटीज है और काफी प्रॉपर्टीज है जो आपको आपके हेयर के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिस इज नैतिक गंगर फ्रॉम नियॉन हेयर सैलून एंड एकेडमी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट एलोवेरा। अगर आप एलोवेरा प्लांट के लीफ को देखें और उसे कट करें तो आपको अंदर एक फ्लूइड दिखता है। दिस फ्लूइड हैज अबंडेंस अमाउंट ऑफ विटामिन ए सी और ई। इस फ्लूइड में विटामिन ए सी और ई की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। ये विटामिन्स आपको आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ऑल्सो एलोवेरा कंटेन्स जिंक एंड कॉपर। जिंक एंड कॉपर बेसिकली आपके स्कैल्प को रिजुनोवेट करने के लिए काम करता है। ऑल्सो इट हेल्प्स टू फाइट इची स्कैल्प और अपने हेयर को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है। एलोवेरा इज वेरी गुड फॉर ड्राई हेयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है आपका मिल्क। मिल्क से आप योगर्ट बना सकते हैं। योगर्ट एज इन दही। दही में सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट आपको मिलेगा दैट इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज वेरी गुड टू क्लेंज योर स्कैल्प। लैक्टिक एसिड ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव द डैंड्रफ फ्रॉम योर स्कैल्प। ऑल्सो इसमें जो मिल्क फैट रहता है वो आपके हेयर को मॉइस्चराइज करता है और एक कंप्लीट पैकेज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट हीना। हीना एज इन मेहंदी। अगर हीना अपने प्योर फॉर्म में है, अगर उसमें कुछ मिक्सिंग नहीं है, तो हीना इज अ बेस्ट थिंग फॉर योर हेयर। हीना बेसिकली मेक्स योर हेयर वेरी स्ट्रांग एंड वेरी थिक। ऑल्सो आप हीना को यूज कर सकते हो एज अ हेयर कलर। बहुत ही माइल्ड से कलर दे सकता है बट इट इज वेरी गुड एज अ हेयर कलर। और हीना आपके स्कैल्प की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। ऑल्सो इट कंटेन्स कंडीशनिंग एजेंट्स जो आपके हेयर को बहुत ज्यादा शाइनी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट बटर। बटर आपके हेयर को बहुत ज्यादा शाइनी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाता है। ये आपके हेयर के क्यूटिकल लेयर्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द सन डैमेज। ऑल्सो अगर आपके हेयर एक कर्ली पैटर्न में है, आपके हेयर का टेक्सचर कर्ली है, तो बटर उस टेक्सचर को और ज्यादा एनहांस करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट एग। एग बेसिकली कंटेन्स ऑफ एग योक एंड एग वाइट्स। एग योक बहुत ज्यादा रिच होता है इन प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। ये प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आपके हेयर को मॉइस्चराइजिंग देने में हेल्प करते हैं। अगर हम एग वाइट्स की बात करें तो एग वाइट्स कंटेन बैक्टीरिया ईटिंग एंजाइम्स। ये एंजाइम्स बेसिकली आपके स्कैल्प में से जितना भी डर्ट है, जितना भी पोल्यूशन है, वो सारे को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट टी बैग। टी बैग्स आर जनरली यूज्ड पोस्ट शैम्पू। आप शैम्पू के बाद टी बैग्स के वाटर को यूज करते हैं। टी इज बेसिकली गुड टू इम्प्रूव द शाइन ऑफ योर हेयर। ऑल्सो इट इम्प्रूव द कलर ऑफ योर हेयर। पर ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपका नेचुरल हेयर कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन पे है तो आपको कैमोमाइल टी यूज करनी पड़ेगी। पर अगर आपके ब्लैक हेयर है, अगर आपके डार्क ब्राउन हेयर है, तो आप ब्लैक टी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट बनाना। बनाना कंटेन्स सिलिका एंड पोटेशियम। सिलिका एंड पोटेशियम बहुत अच्छे से काम करते हैं जब आपको आपके हेयर की स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है। ऑल्सो दे हेल्प टू इम्प्रूव द थिकनेस ऑफ योर हेयर। बनाना इज ऑल्सो यूज एज अ स्कैल्प क्लेंजर टू इम्प्रूव इचीनेस एंड ड्राइनेस ऑफ योर स्कैल्प। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क बहुत अच्छा होता है जब आपके हेयर को आपको कंडीशनिंग करनी है। ऑल्सो कोकोनट मिल्क कंटेन्स लाउरिक एसिड। जब आप बाहर सन से एक्सपोज रहते हैं, आपके हेयर वो इसेंशियल प्रोटीन्स लूज कर देते हैं बिकॉज ऑफ द सनलाइट। दिस लाउरिक एसिड हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इसेंशियल प्रोटीन्स इन योर हेयर ताकि वो लूज ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट एवोकाडो फ्रूट। एवोकाडो फ्रूट आप तब यूज करेंगे जब आपके हेयर बहुत ज्यादा रफ, बहुत ज्यादा फ्रिजी हो रहे हैं। एवोकाडो फ्रूट कंटेन्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स, बायोटिन, ऑल्सो फैटी एसिड जो आपके हेयर को बहुत ज्यादा स्मूथ कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट लेमन। लेमन बेसिकली इज यूज टू फाइट विंटर ड्राइनेस जब आपका स्कैल्प थोड़ा सा फ्लेकी हो जाता है। लेमन को आप कभी भी अलोन यूज नहीं करेंगे, आपको हमेशा लेमन के साथ ऑलिव ऑयल मिक्स करके यूज करना है।
लेमन इज गुड जब आपके स्कैल्प में आपको व्हाइट फ्लेक्स निकालने हैं और उसे क्लीन करना है। वेरैल अगर ऑलिव ऑयल आप मिक्स करोगे तो वो आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज भी करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट हनी। अगर आप ज़्यादा हार्ड वाटर में, अगर आप ज़्यादा सन से एक्सपोज हैं, अगर आप ज़्यादा आयरन यूज़ करते हैं या तो आप ज़्यादा स्विमिंग करते हैं, इन सब चीज़ों में आपके हेयर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं। हनी बेसिकली आपके हेयर में वही मॉइस्चर, वही स्मूदनेस ऐड करने में हेल्प करता है। हनी बेसिकली अट्रैक्ट्स एंड लॉक्स द मॉइस्चर, वो अपने अंदर मॉइस्चर को लॉक कर देता है। हनी इज यूजफुल फॉर ऑल हेयर टाइप्स, आप कोई भी हेयर टाइप में हनी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट राइस वाटर। राइस वाटर में विटामिन बी, विटामिन ई, अमीनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। राइस वाटर बहुत ज़्यादा एंशियंट तरीका है अपने हेयर को कंडीशन करने के लिए। राइस वाटर इज बेसिकली यूज्ड टू रिमूव द टैंगल्स फ्रॉम योर हेयर। अगर आपके बालों में टैंगल्स आ रहे हैं तो राइस वाटर बहुत अच्छा काम करता है। ऑल्सो आपके हेयर में स्ट्रेंथ और शाइन बढ़ाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट अनियन। अनियन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ सल्फर। ये आपके कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। कोलेजन प्रोडक्शन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेयर ग्रोथ, आपके हेयर ग्रोथ को ये इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर बहुत ज़्यादा अच्छा है जब आपके हेयर में कुछ प्रोडक्ट लगा हुआ है और आपको उसको निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आयनिंग की है और आयनिंग के बाद आपने हार्ड स्प्रे यूज़ किया है, तो एप्पल साइडर विनेगर से बहुत आसानी से वो स्प्रे निकल जाएगा। ऑल्सो इट कंटेन्स आर्गन ऑयल विच इज़ वेरी गुड टू रिमूव द फ्रिज फ्रॉम योर हेयर। अगर आपके हेयर ज़्यादा टैंगल्स हो रहे हैं तो उसमें से आपको फ्रिज निकालने के लिए बहुत हेल्प करता है। ऑल्सो इट सॉफ्टन्स द हेयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट सम एसेंशियल हेयर ऑयल्स। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब आप ऑयल अप्लाई करते हैं तब आपको उसको थोड़ा सा ल्यूकवार्म गर्म करना है। ऑयल्स में आप जनरली कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल, आप इन सब ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। ऑयल इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। आप और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपका स्कैल्प टाइप ऑयली है तो आपको ऑयलिंग नहीं करनी है। ऑयलिंग इज बेसिकली यूज टू सील द क्यूटिकल्स, आपके क्यूटिकल्स को सील करने में हेल्प करता है। ऑल्सो आपके हेयर को डैमेज होने से बचाता है। तो ये थे कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स जो आपके आसपास ही मिलते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज जो आपके हेयर के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि ये प्रॉपर्टीज तभी बेस्ट काम करेंगी जब आपके हेयर वर्जिन होंगे। अगर आपके हेयर केमिकली ट्रीटेड हैं तो आप पे शायद ये प्रोडक्ट्स थोड़ा सा बैड इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो केमिकल ट्रीटमेंट्स वालों के लिए यही एडवाइस है कि आप अपने हेयर स्टाइलिस्ट से कंसल्ट करें बिफोर यूजिंग अ प्रोडक्ट, सो दैट आपके हेयर स्टाइलिस्ट आपको प्रॉपरली गाइड कर सके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज नैतिक गंगर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।